नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। भू माफिया और सरकारी तंत्र की शॉर्टकट के खिलाफ आम आदमी पार्टी 4 मई को कमिश्नरी का घेराव करेगी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सिरोल रोड स्थित फूटी कॉलोनी के निवासियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई की जा रही है, उससे भाजपा सरकार का दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस कॉलोनी में 104 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। तहसीलदार द्वारा भेजे गए नोटिस में एक नोटिस अम्बेडकर पार्क को तोड़ने का भी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गरीबों की बस्तियों को उजाड़ने का मकसद यह जमीन भू माफिया के हवाले करना है। पार्टी इसके खिलाफ 4 मई को संभागीय आयुक्त कार्यालय का घेराव कर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपेगी। लगातार भाजपा द्वारा जो गरीब जनता के साथ अतिक्रमण के नाम पे जो कब्जे किए जा रहे हैं, उसका खुलासा है ये। आम आदमी पार्टी ये बताना चाहती है आम जनता को कि पहली बात तो आम आदमी पार्टी हर आम लड़ाई में है। जहां पर आम जनता को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी हो, चाहे कोई भी समस्या हो, लगातार फूटी कॉलोनी को 2012 फिर 18 और अभी कुछ दिनों पहले उनकी बिजली काटकर उनको परेशान किया गया। वहां जितने लोग रहते हैं वो जनता है, वहां वो सिर्फ वोट बैंक नहीं है। जिस तरीके से भाजपा के जो मंत्री और जो विधायक हमारे यहां बैठे हैं वो उनको एक वोट बैंक मानते हैं, जो चुनाव के समय उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके पट्टे हम आपको इसी जगह पर देंगे और आने वाले समय में हम आपका साथ देंगे। लेकिन जैसे ही वहां पर वोटिंग खत्म हो जाती है उसके बाद उनके साथ फिर से वही प्रतिक्रिया अपनाई जाती है और चुनाव आने से जस्ट कुछ दिनों पहले कह दिया जाता है कि आपको पट्टे देके इसी जगह रोक दिया जाएगा। इस लड़ाई को आम आदमी पार्टी स्वयं 2018 से लड़ रही है, लेकिन उस समय क्योंकि हम बहुत सारे लोग नहीं थे, लोगों के बीच में हमारा इतने जनता के बीच में पहचान नहीं थी, लेकिन जब से हम लोगों के बीच में आए हैं लगातार फूटी कॉलोनी की चाहे बिजली की मांग हो, तब हमने प्रद्युमन सिंह तोमर जी जो हमारे बिजली मंत्री हैं उनको हमने उनका घेराव किया, हमने बिजली उनकी चालू भी कराई जो 10 दिन से बंद थी, उनको परेशान जो किया जा रहा था। उसके बाद जब वहां से वो लोग वहां रहने लगे तो दोबारा उनको नोटिस दे दिए जाते हैं कि 5 तारीख को आपको खाली करना पड़ेगा। इससे पहले कि बुलडोजर की प्रक्रिया आम जनता के साथ शुरू की जाए, जिस प्रकार से भाजपा सरकार पूरे देश भर में कर रही है, उसके लिए आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि 4 तारीख को निगम का घेराव होगा, संभागीय कार्यालय जो नाके पर है आम आदमी पार्टी उनका घेराव करेगी। और अगर उनके उस पर स्टे नहीं लगाया गया तो आम आदमी पार्टी का जो अधिवक्ता विंग है वो भी 5 तारीख को हाईकोर्ट में अपीयर होगी, जिसमें कहा गया है कि वो जमीन सरकारी है, अवैध रूप से मकान बने हुए वहां पर रह रहे हैं। देखिए, ये भाजपा का एक तरीका है, पहले लोगों को रखती है वहां पर, लोगों के बिजली के बिल आते हैं, लोगों के पानी के बिल आते हैं, लोगों को लगातार आप रखते हो, उसके बाद आप कह देते हो अवैध है, जब आपको लगता है कि एक बड़ा बिल्डर आके आपको सरकार को ज्यादा पैसे देता है। और हम इसकी पूरी पुष्टि कर रहे हैं कि कौन नेता इसके पीछे है, कोई ना कोई जरूर है भाजपा का, जो आपको बहुत जल्दी आपके सामने हम नाम भी रख देंगे कि जिनका कोई वहां मित्र होगा, उन्होंने लोगों के साथ साठगांठ की होगी और साथ में उनके पास पैसा आ रहा होगा और आम जनता को वहां से हटाना होगा। हम ये जानते हैं कि बस इतनी हमारी मांग है कि जो जहां अगर 15-20 साल से रह रहा है तो आपको ऐसी कौन सी दिक्कत हो रही है जो आप लोगों को वहां से बुलडोजर चला के हटाने का काम कर रहे हैं।